मालिक नहीं है कि चुनाव तो 5 राज्यों में हो रहे हैं और चर्चा सारी की सारी उत्तर प्रदेश ही लिए जा रहा है। इस हिसाब से प्रियंका की महिला वाली पहल चर्चा पाती है या अखिलेश यादव की रैलियों में उमड़ी भी। प्रियंका की बातें मतदाताओं पर क्या असर डालेगी, यह तो 2 महीने बाद पता चलेगा। नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश की हर यात्रा चुनाव को ध्यान में रखकर बनी तब चर्चा हुई। चुनाव घोषणा में भाजपा के लाभ की स्थिति रखी गई तब चर्चा हुई। अखिलेश की रैलियों ने मोदी शाह की सारी तैयारियों को न केवल बैकफुट पर धकेला बल्कि लड़ाई को चतुष्कोणीय की जगह सीधी बना दी। और जब भाजपा एक खेमा ही नहीं कई राजनीतिक पंडित भी यादववाद का आरोप लगाने लगे तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्मपाल सैनी जैसे पिछड़े नेताओं के दल बदल से चुनावी तस्वीर ही बदल। इससे न सिर्फ यादववाद का आरोप गायब हुआ बल्कि भाजपा के पास गैर यादव पिछड़ा वोट का ठोस आधार होने का मिथ भी टूटा। लेकिन बात उतने पर नहीं रुकती। भले ही भाजपा ने तत्काल अपने प्रबंध कौशल से उस भगदड़ को संभाल लिया जो स्वामी प्रसाद के इस्तीफे से शुरू हुई, बल्कि अखिलेश यादव ने दल बदलने वाले भाजपाइयों को टिकट न देने की घोषणा करके संकेत दिया कि यह पटाखाबाजी भी थम गई है। पर भाजपा ने टिकट बांटने में जिस हिसाब से पिछड़ों का हिस्सा बढ़ा दिया उससे साफ लग रहा है कि कोर्स करेक्शन में मोदी का जवाब नहीं। इससे अपना दल और निषाद पार्टी के नेताओं की भी पूछ बढ़ गई और उन्हें कुछ ज्यादा सीटें मिल जाएं। पर असली फर्क निवर्तमान विधायकों को महसूस हुआ जिनके ऊपर काफी समय से टिकट कटने की तलवार लटक रही थी। 125 से लेकर 150 भाजपा विधायकों का टिकट काटने की तैयारी थी और नरेंद्र मोदी इस खेल के उस्ताद हैं। गुजरात में यह प्रयोग अभी तक चला है। मुख्यमंत्री के साथ पूरा कैबिनेट बदलने वाला है पर अखिलेश यादव की चुनौती बढ़ने और विधायकों का बगावती मूड देखकर भाजपा आलाकमान ने अपने लोगों के आगे ही सिर झुकाना कबूल किया। अब देखना है कि विधायकों के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी का उनका तर्क कहां तक चलता है और मोदी का मैजिक कितनों की नैया पार कराता है। अपने विधायकों के डर का लाभ नंदकिशोर गुज्जर जो कि लोनी के विधायक है उनको मिला, जिनकी करतूत से किसान नेता राकेश टिकैत नाराज होकर उठता धरना वापस लेकर बैठ गए और मोदी सरकार की दुर्गति हुई। किसान बिल वापसी और किसान आंदोलन की सफलता वाला टर्निंग पॉइंट वही था। 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश की ज्यादा चर्चा होने का कारण उसका दिल्ली से सबसे पास होना या आकार में बड़ा होना या हिंदी पट्टी वाला होना भर नहीं है, न ही इसका कारण 5 विधानसभाओं में उसका आकार बड़ा होना या लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद भेजना है। उत्तर प्रदेश चुनाव मुहाने पर आखिर जिस रूप में दिखता है 2-3 महीने पहले तक ऐसा नहीं लगता था। कोरोना से पस्त होकर भी योगी मस्त थे क्योंकि अखिलेश और मायावती जैसे विपक्षी संकट के समय गायब थे। वे कोरोना से दुर्गति का मसला नहीं दिखा सकते थे और सिर्फ राहुल प्रियंका ही सक्रिय थे। उधर अयोध्या काशी मथुरा से नाराज हिंदुओं को पटाने की सुविधा थी पर अचानक ही अखिलेश और सपा जिस तरह से उठ खड़े हुए हैं सब तैयारियां बेअसर लगने लगी है और बड़ी तेजी से चुनाव सीधे मुकाबले में बदल गया है, बल्कि कई बार भाजपा बैकफुट पर जाती लगती है। प्रियंका के महिला कार्ड का असर भी उम्मीद से बेहतर हुआ पर वह चुनावी भूमिका निभाएगा यह कहना मुश्किल है। बहन जी वैसे ही मैदान छोड़ती लग रही है तो संभव है कि मतदान के दिन तक ज्यादातर दलित मतदाता भी उनका साथ छोड़ दे। 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी, कोरोना, बेरोजगारी और किसानों की भारी नाराजगी को भाजपा सिर्फ मोदी मैजिक से ही
पार कर सकती है और फिर मोदी मैजिक जारी भी रहेगा कम से कम अगले लोकसभा चुनाव तक।